हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, आज निफ्टी में तो तेजी थी बट मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट के कारण पोर्टफोलियो में काफ़ी शेयर में गिरावट देखने को मिली। तो अब सवाल ये आता है, कल का मार्केट कैसा रहेगा, कल क्या हो सकता है, रिकवरी होगी या और मंदी छाएगी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, कल अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि कल जो फेड का रेट कट हुआ उसका इम्पैक्ट यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट में कुछ खास देखने को नहीं मिला, वो इम्पैक्ट आज देखने को मिल रहा है। यूके मार्केट 1% प्लस में है, फ्रांस का मार्केट तो धमाकेदार 2.30% प्लस में है, इटली का मार्केट 1.20% प्लस में है, S&P 500 जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए 1.80% की तेजी प्लस में है, धमाकेदार तेजी है, डाउ जोन्स 1.40% प्लस, नैसडैक 2.90% अप है और स्मॉल कैप 2000 इंडेक्स 2% अप है। तो ओवरऑल सभी इंडेक्सेस में ज़बरदस्त तेजी है यूएस और यूरोप मार्केट में। तो हमारे मार्केट में जो निफ्टी में तो तेजी आएगी ही, कल हो सकता है कल या फिर आने वाले हफ्ते में 26,000 की हमें लेवल फिर से देखने को मिलती है निफ्टी में, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, कल भी तेजी देखने को मिल सकती है। उसके अलावा फ्रेंड्स, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स जो आज गिरावट थी, करेक्शन थी, उसमें भी रिकवरी आती हुई दिखेगी और कल आपका पोर्टफोलियो अच्छा खासा रिकवर होते हुए देखने को मिल सकता है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कल हो सकता है मार्केट में हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिले, तो टेंशन फ्री रहिए। ये थोड़ा टेम्प्ररी गिरावट थी, फिर से हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है कल के मार्केट में। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको कल के लिए चाहिए रॉकेट शेयर तो व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। थैंक यू फ्रेंड्स।